शंका का बीज एक बार पड़ जाए ना सीता मैया, तो सोच के पूरी फसल बर्बाद कर देता। हम का ये जाने क्या कि एबीपी के मन में ही ये बीज कौन बोए? जौन भी अपन अम्मा का कपूत है ना, ये बहुत ज्यादा चंट चतुर है। काहे कि आर्यन सिंह राठौड़ ऐसा नहीं कौन की बातों में आए वालों में से नहीं है। संभाल लेना सीता मैया। का आधा टुकड़ा तो हमका माधव के घर पे मिले रहे। फिर ये आधा यहाँ कैसे? ये हम माधव के घर से लाए रहे और ये पहले हमरे घर में। मतलब जौन माधव पे वार किए रहे हुई का यहाँ लाए क्यों हुई है ना? हमरे घर में कौन एक है? पर कौन? इमली? ज्योति जी, इससे तो मैं कहा हुई गवाया आपको, आप कौन कुछ चोट लग गई? आप हरिंदर जी कुछ कह दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इमली, मुझसे तो बस तुम दोनों का पेन नहीं देखा जा रहा है। मैं मेडिटेशन करने भी बैठी थी तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख मुझे बार बार डर लग रहा था कि कहीं तुम दोनों भी मेरी और हैरी की तरह। देखिए ज्योति जी, आप ही कहा था ना कि हम पॉजिटिव सोचे, तो फिर आप अपन मन में ऐसा घटिया ख्याल खाया है देते। वैसे भी हर जोड़ी अलग होता है, हमरे और एबीपी के बीच में लड़ाई ये कोनो नई बात नहीं है। और एक दूसरे को संभालने की खातिर ना हम दोनों काफी हैं। यू नो एमली, जब हैरी और मेरी लड़ाई होती थी ना, तो मुझे लगता था ये हमारे आपस का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। पर अब सोचती हूँ तो पछतावा होता है कि काश मैं किसी की हेल्प मांग लेती। आप ठीक है कहा था, ढक्कन अगर कस के बंद हो तो ओका खोले के खातिर चम्मच लगाए के पड़ा था। हमका भी कौनों की हेल्प की जरूरत है, पर हम कौनों को बुला ली इसे। किसे? आप फिक्र मत कीजिए, आपको हम पसंद है ना, तो भी आपके फेवरेट हो जाएंगे। हमरे परिवार से खेले वाला खुद को कितना भी चंड चतुर मान ले, जब इमलिया चतुराई पर आई है ना, तो सबको पीछे छोड़ दी। अब देख हम कितनी बड़ी चंटो माई है। यूनिवर्स, अगर इमली ने अपनी हेल्प करने के लिए किसको बुलाया है, वो भी ऐसे किसी को कि वो मुझे पता नहीं रही कि वो कौन है, मुझे भी अपनी हेल्प करने का हक बनता है। आर्यन, या जो तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। वो एक्चुअली हैरी और मैं इतने दिनों के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी चाहता है कि हम फिर से एक हो जाएं। तो तुझे इससे कोई प्रॉब्लम होगी? उसे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी जो, तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, इससे बेटर चीज क्या हो सकती है, राइट? तो तू मेरी हेल्प करेगा? Of course, बोलना क्या कर सकता हूँ। वो हैरी मेरे साथ कुछ टाइम और स्पेंड करना चाहता है, तो क्या वो कुछ दिन इस घर में रुक सकता है? जो मैंने तुझे बोला है कि तू फैमिली है, अगर तू यही चाहती है तो श्योर ही कैन।
किसी के लाइफ में तो कुछ सही हो। थैंक यू आर्यन। वेलकम। हैरी के आने से हम दोनों की लाइफ सही हो जाएगी आर्यन, क्योंकि वो इमली को सही नहीं रहने देगा। मेरे अरू और इमली के चीकू के आने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। वो बिल्कुल मेरे अरू जैसा होगा या होगी। उसे अपनी दादी का ये पहला गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। पोते का सपना दिखा के वो कच्ची अंबिया तुमको बिना नींबू का सिकंजी पिला रही और तुम सब पी रहे हो। हारियन लल्ला पहले ही उसके वश में था, तू भी उसके मुट्ठी में आती जा रही है छुटकी। जीजी अब क्या कर दिया इमली ने जो आप इतना नाराज हो रही हैं? देख, यारी दोस्ती ना लड़कों को शोभा देती है। लड़की तो अपनी सखी सहेली को मायके में छोड़ के आती है, फिर तेरी बहू ने ये नया दोस्त कैसे बना लिया। हमारा आर्यन लल्ला उसका खर्चा उठा रहा है। अरे यही लक्षण रहेंगे ना तो वो कच्ची अम्बिया अपने पूरे गांव वालों का राशन पानी यहीं से भिजवाएगी, देख लेना। बड़ी माँ, इमली हम सबकी इतनी केयर करती है, उसके बावजूद आप माँ को हमेशा उसके खिलाफ भड़काती रहती हैं। अर्पी, माँ वो आपकी बातों का बुरा नहीं मानती है और आप दोनों से भी पूरी इज्जत के साथ बात करती है। अगर वो अपने दोस्त के लिए थोड़ी परेशान है भी तो आप दोनों से तो कुछ नहीं ले रही ना। अरे उसका बस चलेगा ना तो हमारा भी सब कुछ लुटा देगी। सबसे पहले तो आप दोनों ही कलेश करना बंद करिए, बहुत रात हो गई, प्लीज जाके सो जाइए। गुड नाइट। हाथ उठती चल। सीता मैया, हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है जौन माधव को इतने बुरे तरीके से मार सकता है। का कुछ समझ नहीं आवत है सीता मैया, ये गुत्थी सुलझाए में जौन हमारी मदद कर सकत रहे। पर ये भी यही काम में हमारे पार्टनर नहीं बने के चाहते। मुझे खामोशी पसंद थी इमली, फिर तुम आए और मेरी लाइफ का शोर बन गए। अब मुझे तुम्हारी खामोशी से नफरत है, कुछ तो बोल दो। जानत है तुम बात करे के चाहत हो, पर हम ऐसा का कह सकते जो पहले नहीं कहे। बात मान क्यों नहीं लेते? तुम हमारी बात काहे नहीं मान लेते?